हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है छुर्रोस विद चॉकलेट सॉस। सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें डालेंगे 1 कप और 3 टेबलस्पून पानी, 1 चुटकी नमक और 1.5 टेबलस्पून शुगर। उसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें एक अच्छी बॉईल आ जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक डो के फॉर्म में ले लेंगे। और जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब हम एक पाइपिंग बैग पर डालेंगे एक नोज़ल के साथ और हम उस पे छुर्रोस बनाते हुए जाएंगे। अगर आपको ये करने में टाइट लगेगा तो आप डबल पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे अच्छी तरह से हम सारे शेप दे देंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। पहले लो टू मीडियम में फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा फ्लेम में रखेंगे तो ये पहले ही कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करेंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। इसके सीजनिंग के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। इसको मिक्स करेंगे उस पे सो ये थोड़ा खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और हम इसकी सॉस भी बनाएंगे। हम बनाएंगे अब इसका सॉस। इसके लिए हम लेंगे 1/2 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून शुगर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून कोकोआ पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 10 to 15 grams ऑफ चॉकलेट और इसको कुक करेंगे थिकनेस होने तक। जब तक ये थिक हो जाएगा तब तक हम उसको कुक करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, मिक्सचर इतना गाढ़ा हो जाएगा, तो ये लो बन गया हमारा सॉस। तो आपको हाँ मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।